एवरीवन, तो अभी बजे शाम के साथ और अभी हमारे घर में जो बकरी है ना, हमारे इकलौती वीआईपी बकरी आपको दिखा दे रही, उसका हुआ है बच्चा। तो अभी एक और दूसरा शायद होने वाला है, क्योंकि उसे दर्द और हो रहा है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और देखिए गाइस, हमारी बकरी का मतलब बच्चा मतलब बच्चा हुआ है। देखिए जब होता है तो वो कैसा होता है एकदम। ये देखिए, ये है बकरा लड़का हुआ है, और शायद दूसरा भी हो सकता है। अभी है शायद, उसे दर्द हो रही है। और ये एक पहला निकला है और दूसरा भी है, इसे दर्द हो रही है। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ, क्या पता मेरे उसे शर्मा रहा होगा। जैसे ही दूसरा भी अगर पैदा होगा तो मैं निकलूँगी थोड़े देर में। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, और नेक्स्ट भी हो गया। ओ एक दो अलग अलग कलर के, वो मम्मी ये बना नहीं है क्या अच्छे से? तो गाइस ये दूसरा भी अभी हुआ है, पहला हो गया, और ये दूसरा वाला अच्छे से बना नहीं है शायद। इसमें देखिए बना है अच्छा, कलर छोटा हुआ है और कलर वैसा हुआ है। देखिए अब ये दूसरा अभी हुआ है, और ये थोड़ी देर पहले हुआ था, दो मिनट। और बकरी दो, हाँ अब पेन से गुजरी थी बकरी, अब थोड़ा सही हो गया, उसको रिलीफ मिल गया। और ये दोनों भी पैदा हो गए। अरे चिटकू, देखो मक्खी भी आने लग गई जैसे है। और देख रहे हो उसको सफाई करनी पड़ती है, उसके नाक में ऐसे अगर कपड़े से नहीं तो उसमें ना सांस नहीं ले पाते फटाफट से। ये देखिए ये अभी भी निकला है ना जस्ट, तो आप देखो सफाई कर रहे हैं। और ये थोड़ा कमज़ोर हुआ है छोटा, और ये सही हुआ है। और देखो ये उठने की कोशिश भी करने लग गया इतने जल्दी। ये बन रही है रात की सब्जी, मतलब शाम को ही अभी, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना है 5 बजे, तो हमने 4 बजे चढ़ा दिया चूल्हे पे। और यह है मूली की जो पहाड़ी स्टाइल में सब्जी होती है ना, सिलबट्टे में खींच के, मतलब सिलबट्टे में इसको एकदम बिल्कुल क्रश करते हैं, फिर इसको बनाते हैं सिलबट्टे में, और ये बहुत टेस्टी होती है। और आप देख रहे हो ये बन चुकी है लगभग। किसकी हो रही पिटाई? बकरी की तेरी? फोटोक चल जा बीपी, बोल भी रहा है गाइस बोल। तो गाइस मैं तैयार कर चुकी हूँ पापा का डिनर रात का, मतलब अभी साफ के वक्त खा के चले जाएंगे, 5 बज रहे हैं। और क्योंकि फिर वो रात पे नहीं खाते, फिर ठंडा हो जाता है वाले जाके खा रहा, तो फिर वो अभी खा के जाएंगे। तो मैं बना दिया है मैंने, देखिए पहाड़ी खाना, और अभी देख के आते, उसके बाद हम मिलने चलते हैं बकरी के बच्चे से। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमने बकरियों के बच्चों को कोर्ट पे मतलब गौशाला भी रख रखा है। और क्योंकि 5 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, और कल सुबह हम बाहर निकाले, क्योंकि फिर कल सुबह से यार ये बच्चे कल सुबह से स्टार्टिंग करूँगी ब्लॉग की आगे कंटिन्यू। और अभी मैं आपको और एक झलक दिखा देती हूँ, जो मैं बताने वाली थी ना कि दूसरा हुआ है, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि दूसरा को कौन है, पाठा पाठी मतलब लड़का बकरा है बकरी क्या है, दो लड़के मतलब बकरे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सोए हैं, ठीक है? अभी हमने अंदर घोट के अंदर आ गई हूँ, शायद अंधेरा ऐसा हो रहा होगा। आ रहा है देख साहब, अंधेरा आ रहा है, मेरे को तो आंखें नहीं दिख रही। आ रहा है। और अभी तो पीछे देखो बकरी है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं कल सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, और फिर क्या ही दिखाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर कल सुबह दिखाऊंगी, कल सुबह थोड़ा ये धूप सेकेंगे, उसके बाद चलने लग जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी एक झलक दिखा देती हूँ, ठीक है? वैसे ये देखिए बकरी चाट रहा है उनको, ठीक है? ये चाटेगा तो ये पहचानेगा कि ये मेरे बच्चे, सूंघ लेता है। और देखिए मैं कह रही थी ना, ये जो दूसरा हुआ है ना, ये भी बकरा हुआ है, मम्मी ने बोला, तो वो भी बकरा। और ये वाला जो है ये अपनी माँ की ऐसा, देख रहे हो आप कलर, और देखो, और वो वाला है वो वाइट हुआ है। सो ये वाला कमज़ोर है तो सोया है, अब डर भी लग रही है क्योंकि कमज़ोर होता है, बट वो वाला तो सही है। फिर भी देखो आप प्यार, टकलू आ चुका है बकरी बकरी बोलते हुए, और डुक्का लाया है, पहाड़ी में डुक्का कहते हैं। और अभी आपको दिखाते टकलू का, हाँ ये गाइस टकलू आ गया। ओहो क्या लेके आ रहे हैं टकलू, ओहो ये देखिए इसे कहते हैं डुक्का। और टकलू डुक्का लाया है बच्चों को ढकने के लिए। ओहो परी
देखिए ये कितना खुश है। ओए बच्चू, तेरा बच्चू। अरे वो सोच रहे हैं मार रहे हैं। बच्चू है, बच्चू है। हाँ। कितना खुश है ये देखो। बंद करेंगे बंद। क्या हुआ है वो, क्या हुआ है? बच्चू है, बच्चू को ठंड लग रही है ना? ठंडा कैसा लग रहा है, ठंडा कैसा लगता है बच्चू को? ठंडो। तू क्या लेके आया, डोका लेके आया? ओ दो काया लेके आया। तो अभी बोरी ले जाई जा रही है क्योंकि उनको नीचे बिछाएंगे, इससे थोड़ा गर्म होगा ना। इसके अंदर हम चाहे तो पराल भरेंगे तो उसको गर्मी लगेगी, क्योंकि एक ना कमजोर हुआ है बहुत, उससे लग रहा है वो बचे ना बचे, तो इसलिए डर लग रही है। तो थकलू भी खुश हो गया बच्चों को देख के, छोटा वही बात चल रही है पीछे। और कल सुबह आपको बुलाऊंगा, ठीक है? मुझे एक पे डर लग रहा है, वो कमजोर तो हुआ है और ठंड का मौसम है, तो कल देखते हैं। तो कैसे, ये देखिए हमने इनको इस पे सुला रखा है और आप देख सकते हो डुक, इसे कहते हैं ना ये लकड़ी, मतलब ये भी जो भी बनाया है इसे कहते हैं हम लोग डुक्का पहाड़ी में। और इसमें ना घास वास रखते हैं, गोबर फेंकते हैं। और हमने इसको कपड़े से ढक दिया था कि हवा ना आए, क्योंकि सुबह ना बहुत ठंड होती है एकदम, ये लोग तो काँप जाते हैं सुबह सुबह। और अभी हमने इसको सुला इनके अंदर रख दिया, तो देखो पराल बेचारा कर नीचे से आगे से सामने से धूप पड़ी, बस तो सन बात। और अभी सो रखे है, ठीक है? जब उठी गिरा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है उसकी माँ, कालू काऊ तेरी बेबी तेरी सामने छोए हैं कालू। ये देख रहा है कि मेरे बच्चों के पास क्या कर रही है, फूल ले आ गए कालू। बस सनबात लेते हुए ओ